हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलिसब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे जिंक, उसका पिवट पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड मार्केट ट्रेंड, मार्केट रेंज क्या है जिंक का और आज जिंक क्या होने वाला है उसका ऊपर हम बात करेंगे। तो आज ये देख सकते हैं जिंक का डेली चार्ट, तो डेली में एक कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म किया हुआ है। अगर आप कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ाई किया तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो पहले बात कर ले जिंक का पिवट पॉइंट 198 एंड फर्स्ट रेजिस्टेंट 201, सेकंड रेजिस्टेंट 205 एंड थर्ड 208। द फर्स्ट सपोर्ट 193, सेकंड सपोर्ट 190 एंड द थर्ड सपोर्ट 185। राइट, तो यहां पे आप देख सकते हैं जिंक एंड जिंक पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था ये 200 मूविंग एवरेज के आसपास है, यहाँ तक मार्केट जाने वाला है। तो आप देख सकता है एग्जैक्टली वहाँ तक तो गया हुआ है, तो इसलिए हम क्या करेंगे अभी उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे। तो मैंने हायर पॉइंट को ले लिया, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो जिंक का ट्रेंड क्या है, तो जिंक डाउन ट्रेंड में है डेली, राइट। लेकिन आप 1 आवर 4 आवर में देखेंगे तो ये तो आप ट्रेंड में ही रहेगा, क्योंकि मार्केट छोटा टाइम फ्रेम में आप ट्रेंड में ही है। तो मैंने क्या किया, ये डेली चार्ट, तो डेली में मैंने उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल लिया। तो फर्स्ट मुझे रेजिस्टेंस निकाला एक, सेकेंड मैंने यहाँ पे दिया हुआ है एक रेजिस्टेंस, तो आप देख सकते हैं ये लोअर पॉइंट था, इसको कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे भी कई बार उसको ट्राई किया था ब्रेकआउट करने के लिए, और थर्ड हमें एक और एक लोअर पॉइंट मिला जो अभी मार्केट है। तो आप देख सकते हैं ये भी लोअर पॉइंट, तो इसके आसपास मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो एक ये यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं अभी सपोर्ट कहाँ है, तो हम थोड़ा स्मॉल करेंगे तो पहले प्रीवियस जो रहता है तो वहाँ पे देख लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये लोअर पॉइंट डेली में, तो एक सपोर्ट बनाया हुआ है, राइट। तो इसका बाद हम एक और रेजिस्टेंस लाइन और सपोर्ट लाइन ले लेंगे, ये जो हायर पॉइंट था। तो अभी आप देख सकते हैं 4 आवर में, ये 4 आवर, तो 4 आवर में हमें एक सेटअप मिल गया ट्रेडिंग का, राइट। तो यहाँ पे भी और एक बात देख सकते हैं, और इसको हम 4 आवर में क्या करेंगे, ये लोअर पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे, जैसे 1 2 3 3 टाइम्स दे ट्राई टू ब्रेक दिस लेवल एंड यू कैन मेक हेयर ऑल्सो। सो यहाँ पे आप एक सेटअप, तो यहाँ पे हमें एक सपोर्टिंग रेंज मिल गया 4 आवर में, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे ट्रेंड क्या है, तो जो स्मॉल टाइम फ्रेम होता है जैसे 4 आवर या आवरली एंड 30 मिनट वॉट एवर, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अप ट्रेंड में है, राइट। तो अप ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पे पैटर्न क्या फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे देखिए यह मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्टिंग लेवल मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा बहुत तो करेक्शन देना चाहिए, राइट। तो अगर हम 30 मिनट में देखें, तो थोड़ा मैं छोटा कर देता तो लोअर पॉइंट, तो अगर 30 मिनट में देखें ये टोटली डाउन ट्रेंड है, राइट। तो डाउन ट्रेंड प्लेस हुआ है, तो आपको अगर सेल लेना है तो सेल कहाँ पे लेना है, इसको जब ब्रेकआउट करेगा, जैसे 193 में जब ब्रेकआउट करेंगे यहाँ पे, तो इसका नीचे आप सेल लेना शुरू कर सकते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे आपको 2-3 रुपया 2.5 रुपीज मिलेगा, जैसे 190 तक आप सेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन भी दे सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये ब्रेकआउट किया फिर से एक थोड़ा रिवर्स और मार्केट डाउन, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे 5 मिनट में, 5 मिनट में हमें अभी तक कोई एंट्री कोई अपॉर्चुनिटी दिया नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी थोड़ा बाउंस बैक हो सकता है, क्या, क्योंकि ये सपोर्टिंग रेंज है। तो हम एंट्री कहाँ कर सकते हैं यहाँ पे,
तो जैसे ये अभी डाउन ट्रेंड आ रहा है, तो डाउन ट्रेंड यहाँ पे आ रहा है, तो अब देख सकता है सीसीआई भी साथ में रहेगा उसका। डाउन ट्रेंड का बाद ये जैसे ग्रीन कैंडल बन के बुलिश कैंडल फॉर्म करना शुरू करेगा, ठीक है। तो बुलिश कैंडल फॉर्म करना शुरू करेगा यहाँ से, तो यहाँ पे मैंने और एक ड्रॉ लाइन कर दिया। तो बाय का कहाँ पे लेना है वो मैं बता रहा हूँ। तो ये सीसीआई भी इसको जीरो लेवल क्रॉस कर देगा और स्टोकेस्टिक भी कंफर्म करेगा ऊपर जाने के लिए, जैसे ये स्टोकेस्टिक ने लिया था इसे एक फॉर्म करेगा, और साथ में इसको ब्रेकआउट करना चाहिए, जो ट्रेंड लाइन दिया हुआ है इसको ब्रेकआउट करना चाहिए। तो इसका ऊपर आप बाय में जा सकते हैं, कहाँ तक, यहाँ पे 2-3 रुपया तक के लिए, जैसे 198, और साथ में आके ये आपका 100 मूविंग एवरेज भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन बना के रखेगा, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।